नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकते। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बाबू भाई, विजय भाई, राजेंद्र जी, जय श्री श्याम, शीतल सैनी जी, गुड आफ्टरनून। तो आज की हम कमेंट बाद में लेंगे। जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज के बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और मैंने कहा था प्यारे बच्चों, मैं आपको जो हरियाणा जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कहता ऐसी जीके कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो सेम ही सेम चीजें हम पढ़ेंगे। HSSC भी अपडेट हो गई है, तो उस हिसाब से हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। कल है ना प्यारे बच्चों, हम 1956 तक पहुंच चुके थे। क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था, मराठों से पहले मुगलों के अधीन था, और जनरल लेक को उत्तर भारत को जीतने की कमान सौंपी गई। उसने अलीगढ़ को जीता, दिल्ली को जीता, तो भरतपुर को जीता, और आगरा में लसवारी की लड़ाई लड़ी थी और उसमें वो हार गया। तो 30 दिसंबर 1803 को सुरजीअंजन गांव की संधि करनी पड़ी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी 1803 में हुआ। 1809-10 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया हरियाणा पर। 1819 में हरियाणा को अंग्रेजों ने तीन भागों में बांट दिया, उत्तर, दक्षिणी और जो मध्य वाला एरिया बांटा। और फिर मैंने आपको बताया 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी आगरा होती थी। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। हरियाणा को यूपी से कट करके, क्योंकि यूपी मेरठ से शुरू हुई थी, हरियाणा में अंबाला कैंट, तो उससे कट कर पंजाब को दे दिया गया। फिर पंजाब से हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक रहा। वही संघर्ष हमें पढ़ना है। 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में मांग उठाई। 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई। 1988 में सर्वदलीय सम्मेलन में मांग उठी। 1900 बाद में जो नेहरू रिपोर्ट, वो भी 1929 बोला गया, 1928 में आई थी, उसमें भी कहा गया हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कॉर्बेट भारत सचिव ने मांग उठाई, और फिर 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु मित्र ने उठाई। 1940 में पटादी सीतारामैया ने 1946 में उठाई। 1947 में भारत आजाद हुआ, पंजाब के सीएम गोपी चंद भार्गव सिरसा थे। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अजीत नामक न्यूज़पेपर में उठाई। 1952 में जब आम चुनाव हुआ, चौधरी देवीलाल 38 सदस्यों में जीते थे, और चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर 125 के हस्ताक्षर करवाए, जीबी पंत को दिया, लेकिन वो भी नहीं माने। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब प्यारे बच्चों, 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 29 दिसंबर 1953 को बना था। HSSC ने 1954 माना था। इसमें तीन सदस्य होते थे। कौन होते थे, एक तो जैसे फजल अली, ठीक है, फजल अली होते थे, और एक हदे नाथ कुंजरू होते थे, और पणिकर होते थे, के एम पणिकर होते थे, के एम पणिकर। तो इस समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी, 1956 में। इसके बाद 14 राज्यों का और किसका वर्णन मिलता है, 6 UT का। और इसके बेस पर प्यारे बच्चों, 1956 में ना 7वां संविधान संशोधन हुआ, और उस संविधान संशोधन में ना कितने नए, मतलब टोटल राज्य रहेंगे, 14 राज्य व 6 UT रहेंगे। और मैंने कहा था राज्य पुनर्गठन हरियाणा में भी आया था 1955 में। कहाँ पर आया था, रोहतक में आया था। और कहते हैं जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया ना, उस टाइम हरियाणा के हिस्से को पेप्सू कहा जाता था, पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट। और पेप्सू की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, शिमला हुआ करती थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। एक बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, आप सबको पता है हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। ऑप्शन में 18वां नहीं था, तो हमें जाना पड़ा हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना, 7वें के तहत बना, क्योंकि बना नहीं था 7वें के तहत, लेकिन हरियाणा पंजाब के हिस्से में कहीं तो कहीं था ना, तो ऑप्शन में हमें 7वें के साथ जाना पड़ा। या तो 18वां आ जाएगा, 18वां ना हो तो 7वें के तहत बना। अब प्यारे बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने वही बात कही कि हरियाणा को दो भागों में बांट दो, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। वही बात किसने कही थी,
वो कल हमने पढ़ा था 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूले में कही गई। और भीमसेन सच्चर तो सीएम थे, उनको नॉलेज नहीं थी, यहाँ पर एक न्यायाधीश ये बात है कह रहा था। अब प्यारे बच्चों, एक है ना, इस राज्य पुनर्गठन आयोग में ये भी कहा गया, कोई राज्य अगर संतुष्ट नहीं है ना तो वो क्षेत्रीय समिति बना सकता है। तो पंजाब ने ना, पंजाब ने किससे सिफारिश की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ना, क्षेत्रीय फार्मूले की सिफारिश की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो प्यारे बच्चों, 24 जुलाई 1966 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्षेत्रीय फार्मूले पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, क्षेत्रीय फार्मूला। तो ये डेट याद रखनी है, क्षेत्रीय फार्मूला पंजाब ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उस टाइम राष्ट्रपति होते थे, कब किए हस्ताक्षर? 24 जुलाई 1966 को इस क्षेत्रीय, सॉरी 1956 है, 66 नहीं है, 1956 की बात चल रही है। 24 जुलाई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस क्षेत्रीय फार्मूले पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इसमें क्या कहा गया था इस क्षेत्रीय फार्मूले में? एक तो ये बात कही गई कि जो पंजाब है ना, पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया गया, द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया गया। और एक इसमें कहा गया कि पंजाब दो भागों में बंटेगा, हिंदी भाषा क्षेत्र और एक कौन से भाषा क्षेत्र में? पंजाबी भाषा क्षेत्र में बंटेगा। और पंजाबी भाषा क्षेत्र की पहली लैंग्वेज पंजाबी और दूसरी हिंदी होगी, और हिंदी भाषा क्षेत्र की दूसरी कौन सी होगी? पंजाबी होगी। और तीसरा इसमें कहा गया प्यारे बच्चों कि इन दोनों का जो विधानसभा होगी ना, विधानसभा और जो राज्यपाल गवर्नर गवर्नर वो क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? दोनों के एक ही होंगे, एक ही होंगे। और इसमें कहा गया हम है ना, अल्पसंख्यक जो है ना वो मतलब ऐसा फील ना करे, हम अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करेंगे। हम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को बोलना है, अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। हम दोनों भाषाओं का क्या करेंगे? दोनों भाषाओं का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ये किस में कही गई थी प्यारे बच्चों? क्षेत्रीय फार्मूले में बात की गई थी। ऑल गवर्नर लर्नड इन ओनली फर्स्ट टाइम आफ्टर लिसन योर वीडियो विद द ट्रिक, वेरी नाइस वे ऑफ स्टडी गिवन बाय यू साइड। थैंक यू पवन जी। थैंक यू सर, मैं बेंगलोर से आपकी क्लास ले रहा हूँ। अरे ये तो प्रिविलेज है हमारे लिए, बहुत थैंक यू पवन भाई। और पढ़ते रहिए, और दोबारा मैं कहूँगा अच्छी गवर्नमेंट जॉब हरियाणा में आई, आपकी सेवाएं की हरियाणा में भी जरूरत है पवन भाई। तो प्यारे बच्चों ये चीजें हैं ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। क्षेत्रीय फार्मूला 24 जुलाई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लागू किया गया। मेन वही बात है, हरियाणा पंजाब को दो भागों में बांटा जाएगा, हिंदी भाषा क्षेत्र, पंजाबी भाषा क्षेत्र, पंजाब द्विभाषी राज्य रहेगा, और विधानसभा और गवर्नर दोनों के सेम रहेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी, दोनों भाषाओं का सम्मान होगा, ये बात कही गई। और प्यारे बच्चों फिर 1956 में ना पंजाब के सीएम बन गए थे प्रताप सिंह कैरो। कौन बन गए थे? प्रताप सिंह कैरो पंजाब के क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। पंजाब के सीएम कौन बन गए थे? प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए थे। और ये नहीं चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग हो जाए, इनको पक्का पता था कि हरियाणा अगर पंजाब से अलग हो गया तो सीएम की पावर में कमी आएगी ना। अब एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ की पावर देखो, एक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पावर देखो, राजस्थान के सीएम गहलोत की पावर देखो, एक हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर की पावर देखो। जितना बड़ा राज्य होगा ना उतनी बड़ी क्या होगी प्यारे बच्चों? पावर होगी। तो इनको लगा कि पावर कम ना हो जाए, तो इन्होंने इस समिति के ना जो क्षेत्रीय फार्मूला था इसको असफल करने के लिए 1957 में इन्होंने क्या कह दिया कि हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए पंजाबी अनिवार्य कर दी। इन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए कौन सी लैंग्वेज अनिवार्य कर दी? पंजाबी क्या कर दी थी प्यारे बच्चों? अनिवार्य कर दी। इन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए कौन सी अनिवार्य कर दी थी? पंजाबी को क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। किसको अनिवार्य कर दिया? पंजाबी। अब हरियाणा वाले भड़क गए, बोला हम क्यों पंजाबी पढ़े? तो 1957 में हिंदी हिंदी के लिए क्या हुआ था प्यारे बच्चों? हिंदी भाषा के लिए सत्याग्रह हुआ था। हिंदी भाषा के लिए क्या हुआ था? सत्याग्रह हुआ था।
हिंदी को बचाने के लिए, और इस सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र हमारा हिसार और रोहतक था। इस सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र हमारे कौन सा होता था? हिसार और रोहतक में ना हिंदी के लिए, हिंदी भाषा को बचाने के लिए सत्याग्रह हुआ, और हिंदी के लिए हिंदी क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। हिंदी हिंदी क्षेत्रीय समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। हिंदी क्षेत्रीय समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत तायल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत तायल को ना, इसका 1957 में हिंदी क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया, और बलवंत तायल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। सर दुरीना एक प्रैक्टिस सेट है वो एनटीए बेस्ड है क्या? सर हाँ, सारे एनटीए के हिसाब से ही डलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्साइज इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन, हाँ 69 केट में है तो पवन जी आप कर सकते हो। ठीक है, 69 अगर केट में है तो मेरे हिसाब से पूरे चांसेस छोटे भाई आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो क्षेत्रीय समिति 1956 में प्रताप सिंह खेरो सीएम बने, वो नहीं चाहते थे हरियाणा पंजाब से अलग हो। उन्होंने 1957 में हिंदी भाषा क्षेत्र में पंजाबी अनिवार्य कर दी। हिंदी भाषा के लिए सत्याग्रह हुआ। हिसार और रोहतक में हिंदी क्षेत्रीय समिति बनी जिसके अध्यक्ष बलवंत तायल थे, लेकिन प्यारे बच्चों कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब टाइम आ गया 1960 का। 1960 में ना जो मास्टर तारा सिंह थे ना, मास्टर तारा सिंह, इन्होंने दोबारा प्यारे बच्चों पंजाबी सूबे की मांग उठा दी। किसकी मांग उठाई? पंजाबी सूबे की मांग उठाई और कहा कि मैं अनशन करूंगा। तो संत फतेह इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों? फिर प्रताप सिंह केरो ने इनको गिरफ्तार करवा दिया। प्रताप सिंह केरो वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग हो, तो मास्टर तारा सिंह को क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया, जेल में डाल दिया गया। फिर प्यारे बच्चों एक अकाल तख्त होता था, उसी के दूसरे सदस्य या अकाल तख्त के एक उपाध्यक्ष होते थे जिनका नाम होता था, अकाल तख्त के उपाध्यक्ष होते थे जिनका नाम होता था प्यारे बच्चों संत फतेह सिंह होता था। संत फतेह सिंह होता था, और संत फतेह सिंह है ना एक समाजवादी नेता थे। कैसे नेता थे प्यारे बच्चों? एक समाजवादी नेता होते थे। समाजवादी नेता वो होता है जो जनता के अंदर रहता है, जो जनता के कहाँ रहता है? अंता अंदर रहता है, तो जनता इनके साथ है ज्यादा थी। तो प्यारे बच्चों, तो प्रताप सिंह केरो ने मास्टर तारा सिंह को जेल में डलवा दिया। तो 1960 में कहते हैं प्यारे बच्चों आमरण अनशन की घोषणा कर दी। किसने? संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की क्या कर दी? घोषणा। और पब्लिक इनके साथ बहुत ज्यादा आ गई। और फिर प्यारे बच्चों मास्टर तारा सिंह जैसे ही रिहा हुए ना, तो मास्टर तारा सिंह ने सोचा सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई प्यारे बच्चों? इन्होंने ना, संत फतेह सिंह ने भी ना किसकी मांग को बुलंद किया था? पंजाबी सूबे की मांग को बुलंद किया था। इसीलिए बच्चे पूछते हैं सर पंजाबी सूबे की मांग संत फतेह सिंह ने उठाई। अरे पंजाबी सूबे की मांग है ना सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने उठाई, फिर संत फतेह सिंह ने उठाई। ठीक है रविंदर जी, जल्दी आ जाएगी रीटा, गुड नून गुड़िया। ठीक है, तो इन्होंने ना पहले मास्टर तारा सिंह ने उठाई, फिर संत फतेह सिंह ने उठाई। अब मास्टर तारा सिंह जेल से रिहा होते ही ना, उन्होंने संत फतेह सिंह से क्या तुड़वा दिया? अनशन तुड़वा दिया। संत फतेह सिंह को कहा कि अनशन है मैं करूंगा, तो संत फतेह सिंह ने अनशन है तोड़ दिया। अब अनशन पर कौन बैठ गए? मास्टर तारा सिंह अनशन पर बैठ गए। और प्यारे बच्चों कहते हैं मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया, लेकिन उनको मनाने के लिए कोई नहीं आया। तो बाद में 1962 आप पढ़ोगे भारत चीन युद्ध शुरू हो गया, तो अपने आप ही अनशन इनका क्या हो गया? समाप्त हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे को माँ थप्पड़ मार देती है ना, तो बच्चा शुरू में जोर जोर से रोता है, और लास्ट में ना बिल्कुल रोने की स्पीड है बिल्कुल स्लो कर लेगा, और वो चाहता है कि माँ आकर ना कह दे बेटा मत रो दोबारा, तेरे को नहीं मारूंगी। वैसा सेम चीज था, लेकिन मास्टर तारा सिंह के पास कोई नहीं आया। भारत चीन युद्ध शुरू हुआ, तो अपने आप अनशन समाप्त हो गया। फिर प्यारे बच्चों कहते हैं 1964 में ना संत फतेह सिंह ने घोषणा की थी। बाद में 1965 में आएगा, लेकिन घोषणा 1964 में संत फतेह सिंह ने घोषणा कर दी कि मैं इस बार ना आत्मदाह करूंगा। अगर पंजाबी सूबा नहीं बनेगा, हरियाणा अलग नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा? आत्मदाह करूंगा। और 1965 में जैसे ही आत्मदाह की डेट आई ना, सुनीता जी गुड मॉर्निंग, तो उस टाइम है ना
भारत और पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। प्यारे बच्चों 1964 है ना, इन्होंने आत्मदाह की घोषणा 64 में की थी, क्योंकि उस टाइम है ना प्रताप सिंह केरो की मृत्यु हो चुकी थी। प्रताप सिंह केरो की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो संत फतेह सिंह को लगा था ये सही मौका है मांग उठाने का। तो 1964 में इन्होंने घोषणा कर दी, और 1965 में, सर मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, बाद में रिकॉर्डेड क्लास में कोई इश्यू तो नहीं आएगा? बोन जी कोई इश्यू नहीं आएगा। रिकॉर्डेड प्यारे बच्चों में हम ऐसे लेक्चर तैयार करते हैं, कोई बच्चा कब भी लेक्चर को देखे तो उसको दिक्कत है ना आए। अभी हजारों बच्चों ने बैच ले रखा है। अब बैच में तो केवल लाइव कितने होंगे, 250-300 लाइव होंगे ना, और बाकियों के लिए तो ये भी रिकॉर्डेड हो जाएगी ना क्लास पूरी होते ही। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? तो अब क्या होता है, प्रताप सिंह केरो 1964 में मतलब मृत्यु हो गई पंडित नेहरू की, तो इन्होंने मतलब संत फतेह सिंह ने आत्मदाह की घोषणा की। और 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, इनके पास गए कि बोला संत साहब अब देश हित है ना वो सबसे बड़ा है। तो संत फतेह सिंह को आश्वासन दिया, जैसे ही हम पाकिस्तान को हराएंगे ना, आप है ना दोबारा से हम आपके लिए मतलब है कुछ एक काम करेंगे, यानी हरियाणा और पंजाब के लिए हम जरूर करेंगे। फिर 1965 में भारत जीत गया। अब प्यारे बच्चों 1965 में ना जो भारत के गृह राज्य मंत्री होते थे, गृह राज्य मंत्री होते थे गुलजारी लाल नंदा। कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे भारत के गृह राज्य मंत्री। उन्होंने प्यारे बच्चों एक संसदीय समिति की, एक संसदीय समिति बनाने की घोषणा की, और ये घोषणा हुई 23 सितंबर 1965 को हुई। और ये इसकी कमान किसको सौंपी गई? उस टाइम पंजाब में लोकसभा अध्यक्ष होते थे, पंजाब लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई, जिनका नाम होता था सरदार हुकुम सिंह। कौन होता था प्यारे बच्चों? सरदार हुकुम सिंह। तो ये कई कहते हैं हुकुम सिंह समिति कब बनी, तो वही है 23 सितंबर 1965 को बनी। पंजाब लोकसभा अध्यक्ष होते थे वो सरदार हुकुम सिंह। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, या हरियाणा किसके मतलब कारण हरियाणा बना, तो सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर या सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर क्या बना हरियाणा। और इन्होंने ना प्यारे बच्चों बहुत जल्द है ना एक समिति का गठन की मांग उठाई, और वो समिति 23 अप्रैल 1966 को एक समिति बनती है जिसका नाम था जेसी सा समिति, या सा आयोग बोलते हैं। और ये ना जेसी सा थे ना, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते थे। किसके न्यायाधीश होते थे? सुप्रीम कोर्ट के। इनको कहा कि आप है ना बहुत जल्द से जल्द है ना हरियाणा का गठन करने के लिए काम करो। तो प्यारे बच्चों इसमें ना एक तो जेसी शाह खुद होते थे, एक इन्होंने अपने साथ लिया एम फिलिप को अपने साथ लिया, एक इन्होंने अपने साथ किसको लिया, एस ए दत्त को लिया। ये समिति कब बनी थी? 23 अप्रैल 1966 को। अब दो क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा को बनाने, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, तो हरियाणा सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर बना। और हरियाणा को बनाने में किस समिति का योगदान सबसे अहम था, तो हरियाणा को बनाने के लिए प्यारे बच्चों जेसी सा समिति का ये योगदान क्या था, अहम था। इसने पूरे हरियाणा का क्या किया, दौरा किया, पूरे हरियाणा का क्या किया, दौरा किया, पूरे पंजाब का दौरा किया। और इसने कहा लगभग 34.18, तो लगभग है ना 35% हिस्सा है ना पंजाब का किसको मिलना चाहिए, हरियाणा को मिलना चाहिए। ये किस समिति ने कहा था, जेसी सा समिति ने कहा था पंजाब को हरियाणा का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ये पेपर में पूछा गया था। लगभग है ना 35% हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए। और इस समिति ने बहुत जल्द प्यारे बच्चों 31 मई 1966 को, 23 अप्रैल को बनी थी, 31 मई 1966 को इसने क्या सौंप दी, अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी, अपनी रिपोर्ट सौंप दी, क्योंकि कोई भी कानून है ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बनेगा, कानून। मंजू सर रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया करो, ओके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी गुड़िया, ठीक है? तो ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों, एक एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बना था कि 3 मार्च 1966 को ना, 3 मार्च 1966, 31 मई से पहले 3 मार्च 1966 को चौधरी देवीलाल ने भी ना
एक संघर्ष समिति बनाई थी चौधरी देवीलाल ने भी ना, मतलब हरियाणा के गठन के लिए क्या बनाई थी, संघर्ष समिति बनाई थी। तो चौधरी देवीलाल का भी हरियाणा को बनाने में ना क्या था, योगदान था, ये पूछा गया है। हरियाणा संघर्ष समिति किसने बनाई थी, हरियाणा संघर्ष समिति किसने बनाई थी, चौधरी देवीलाल ने बनाई थी 3 मार्च 1966 को। लेकिन 23 अप्रैल 1966 को जैसी सा समिति बनती है, और इसने 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंप दी, और राष्ट्रपति ने ना 18 सितंबर 1966 को सिग्नेचर कर दिए कि हरियाणा है ना वो भारत का 17वां राज्य बनेगा, और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या होगा, निर्माण होगा। ये किसने कह दी, राष्ट्रपति ने। अब प्यारे बच्चों देखो, मैं बिल बताता हूं, बिल पहले है ना लोकसभा में आता है, आ राज्यसभा में भी सकता है, राज्यसभा में पहले आया तो बाद में लोकसभा में चला जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और फिर है ना ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा, तो ये क्या बनेगा, विधेयक है ना, कानून बनेगा। तो इस टाइम पूछे जाएगा हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा में हुआ था, तीसरी लोकसभा में हुआ, पहली लोकसभा के चुनाव कब हुए, 1952 से 1957, दूसरी 1957 से 1962 हो जाएगी, तीसरी 1962 से 1967 हो जाएगी। तो हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा में हुआ था, तीसरी लोकसभा में हरियाणा का क्या हुआ था, गठन हुआ था, किस लोकसभा में हुआ था, तीसरी लोकसभा में हरियाणा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, तो कौन होते थे, सरदार हुकुम सिंह होते थे। पंजाब लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, सरदार हुकुम सिंह होते थे। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कौन थे, कृष्ण मूर्ति राव थे। कौन थे प्यारे बच्चों, कृष्ण मूर्ति राव है ना वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो कौन होते थे, जाकिर हुसैन होते थे। कौन होते थे, जाकिर हुसैन होते थे। और डॉक्टर अलवा वॉयलेट अलवा उपसभापति, डॉक्टर वॉयलेट अलवा है ना वो क्या होते थे, उपसभापति होते थे। राष्ट्रपति कौन होते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन देश के राष्ट्रपति होते थे। प्रधानमंत्री पीएम पूछे तो कौन होती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की क्या होती थी, प्रधानमंत्री होती थी। और प्यारे बच्चों अगर गृह मंत्री पूछे ना, गृह राज्य मंत्री कौन होते थे, गुलजारी लाल नंदा होते थे, गुलजारी लाल नंदा गृह राज्य मंत्री होते थे। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो जस्टिस मेहर सिंह होते थे। कौन होते थे, जस्टिस मेहर सिंह होते थे। इतना डेटा प्यारे बच्चों आपको याद है रखना ही होगा। इतना सर ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, गुड़िया मेरे को ना, मेरी गट्स फीलिंग बोल रही है अप्रैल से पहले आपका एग्जाम पॉसिबल है, नहीं है मार्च में बोर्ड एग्जाम है। अभी HSSC तो मार्च का कह रही है, हम तो उसी हिसाब से सिलेबस करवा देंगे सर, ये बैच ले रखा है एग्जाम तक से रहेगा, हम मंजू जी एग्जाम तक ये बैच रहेगा, आराम से रहेगा। मेरे को अप्रैल के बाद मई जून में एग्जाम, अप्रैल या मई के आसपास एग्जाम होता दिखाई दे रहा है। क्लास की टाइमिंग शिल्पी गुड़िया, ये मेरी क्लास की टाइमिंग है ना 12 बजे के बाद होती है गुड़िया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा में हुआ, तीसरी लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह, कृष्ण मूर्ति राव उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में जाकिर हुसैन, डॉक्टर वायलेट अलवा ये मतलब सभापति उपसभापति हो गए, क्योंकि सभापति राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा होते थे। और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन होते थे, जस्टिस मेयर सिंह होते थे। और 1947 में ना, उस टाइम हरियाणा तो नहीं था, पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामलाल होते थे। और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है ना ये 1919 में बना, वैसे पंजाब हाई कोर्ट है, हम याद करने के लिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बोल देते हैं। पंजाब हाई कोर्ट लाहौर में बना था 1915 के अधिनियम के तहत, 1919 में बना था। और इसके भारतीय न्यायाधीश सर शादीलाल थे। सर शादीलाल भारतीय न्यायाधीश कब बने थे, 1920 में। सर शादीलाल का संबंध कहाँ से होता था, रेवाड़ी से होता था। पंजाब हाई कोर्ट कहाँ होता था, लाहौर में होता था। आज चंडीगढ़ पढ़ते हो, किसी टाइम बाद में इसको शिमला स्थानांतरित कर दिया गया।
इतनी चीजें पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये आंकड़े है प्यारे बच्चों, ये आंकड़े आपको याद है करने होंगे। अब हरियाणा बन गया, कब बन गया? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया? 17वां राज्य बन गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 18वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 18वां संविधान संशोधन। और 18वां ना ये ना तो हरियाणा 7वां संविधान संशोधन के तहत है बना था, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। दोनों याद रखना। तो प्यारे बच्चों, कोई 16वां भी राज्य बना होगा, कोई 18वां भी राज्य बना होगा। हरियाणा 17वां था, तो 18वां हिमाचल प्रदेश बना था। कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश है ना, वो 18वां राज्य बना था। 16वां पूछे तो कौन सा बना था? नागा लैंड बना था। और 17वां कौन सा बना था आपका? हरियाणा बना था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नागालैंड 16वां था, 17वां हरियाणा था, और 18वां कौन सा था? हिमाचल प्रदेश है बना था। अब प्यारे बच्चों, हरियाणा जिस टाइम बना ना, उस टाइम है ना, मतलब क्या था कि पंजाब का लगभग 35% हिस्सा दिया गया, और जो क्षेत्रफल में कितना होता है? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्या था? क्षेत्रफल था। ठीक है, तो इस टाइम है ना प्यारे बच्चों, अभी है ना जल्दबाजी में ना क्या था, इलेक्शन करवाना क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो हरियाणा के जो पहले सीएम है ना 1966 में, वो मनोनीत सीएम थे, जिनका नाम क्या था? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, क्योंकि ये पहले संयुक्त पंजाब के सीएम थे, 1962 से 67 तक रहना था, तो इनका ना जो सिस्टम था वो हरियाणा में आ गया। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले आप कह सकते हो मनोनीत सीएम थे। पहले क्या था, इलेक्टिव नहीं थे, ये नॉमिनेटिव थे, चुनाव नहीं हुआ था। हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे। और इनका संबंध पूछा जाता है किस गांव से था? बेरी गांव। और बेरी गांव कहाँ पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। इनका संबंध कहाँ से था? बेरी गांव झज्जर से इनका क्या होता था? संबंध होता था। तो 16वां नागालैंड बना, 17वां हरियाणा बना, 18वां कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश से बना था हरियाणा। अगर 18वां संविधान नया संशोधन आए तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इनका विधानसभा क्षेत्र भी पूछे ना, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा हुआ करता था? झज्जर हुआ करता था। इनका विधानसभा क्षेत्र भी पूछे ना, भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा होता था? तो इनका झज्जर होता था। और भगवत दयाल शर्मा अगर यूनिवर्सिटी पूछे ना तो कहाँ पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। और भगवत दयाल शर्मा है ना ये प्यारे बच्चों उड़ीसा, कौन? भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा ज्यादा पढ़ोगे इनको, भगवत दयाल शर्मा। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या रह चुके थे? भगवत दयाल शर्मा ये राज्यपाल भी रह चुके थे। और हरियाणा का पहला राज्यपाल है किसको बनाया गया? धर्मवीर भारती को बनाया गया। किसको बनाया गया? धर्मवीर भारती को बनाया गया। और ये हरियाणा के पहले राज्यपाल है। और वर्तमान में हरियाणा में 18 राज्यपाल आ चुके हैं। 18वें कौन है? बंडारू दत्तात्रेय 18वें राज्यपाल है। राज्यपाल का टॉपिक मैंने बड़े प्यार से आपको करवाया था। ठीक है, पहले राज्यपाल जैसे मैंने धर्मवीर भारती, दूसरे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, तीसरे आर एस नरूला, फिर जय सुखलाल आथी। ठीक है, ये सारे के हरचरण सिंह बरार, ठीक है, एस एस संगवालिया, सारे के सारे आपको मैंने करवाए थे, मतलब सारे के सारे आपको करवाए थे। जी डी तपासे, सैयद मोहम्मद हुसैन बरनी, एक स्टोरी के माध्यम से सारे याद करवाए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धर्म भी, अभी अगर मैं बात करूँ ना तो उस टाइम है ना जब हरियाणा बनाना 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पंजाब में विधानसभा की 156 सीटें होती थी, तो पंजाब को ना 100 सीटें मिली, और हरियाणा के हिस्से में कितनी सीटें आ गई? विधानसभा की 56 सीटें आ गई। तो प्यारे बच्चों 1966 में हरियाणा में विधानसभा की 56 सीटें थी। 1967 में ये पूछा गया था, बढ़ाकर 81 कर दी गई, और 1977 में बढ़ाकर इनको 90 कर दिया गया। और प्यारे बच्चों 2026 तक है ना, 2026 में ये 126 हो जाएगी। तो 2026 तक है ना विधानसभा की सीटों में परिसमन आयोग ने कह दिया कोई बदलाव नहीं होगा। मिनी साजी मिल जाएगी,
आपको सेक्शन है होगा पीडीएफ का, उसमें मिल जाएगी, चिंता मत करना। तो 1966 में 54 थी, 1967 में 81 और 1977 में इनको बढ़ाकर कितनी कर दिया गया, 90। और प्यारे बच्चों ये 90 कब तक रहेगी, 2026 तक 90 रहेगी। और फिर नया विधानसभा भवन बन रहा है और उसके बाद इनकी जो सीटें हैं ना वो बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 126 सीटें कर दी जाएगी। कितनी सीटें कर दी जाएगी, 126 सीटें कर दी जाएगी। इस चीज का ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं कहता हूँ थोड़ा शिद्दत से याद किया करो, ठीक है। जब हरियाणा बना ना, आज आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों पुलिस रेंज है ना वो कितनी है, पुलिस रेंज आज 5 पढ़ते हो। हरियाणा बना उस टाइम पुलिस रेंज कितनी थी, उस टाइम पुलिस रेंज कितनी थी, एक थी। कितनी थी, एक थी। और हरियाणा गठन के समय यानी 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे, 7 जिले थे। कितने जिले थे, 7 जिले थे। एक आपका गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया, करनाल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। याद ना रहे ना, एक ट्रिक से याद कर लेना, कोई आपसे पूछे आपका घर कहाँ पर है, आपके ना घर जेके में, घर घर जेके में, हमारा घर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अब तो प्यारे बच्चों धारा 370 और 39 ए आप पढ़ते हो, ए हटा दिया गया है, अब तो आप जम्मू कश्मीर में क्या बना सकते हो, धारा 370 हट गई है, अब तो घर बना सकते हो ना। तो घर कहाँ पर है, जेके में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। और इनमें पूछा जाता है सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हरियाणा गठन के समय जो सबसे बड़ा जिला था ना वो कौन सा था, हिसार था। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार। और जींद है ना ये सबसे छोटा जिला था, हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला पूछे तो कौन सा होता था, जींद होता था। और प्यारे बच्चों जींद ही हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक क्या नहीं हुआ है, कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो सर एक पर पीडीएफ नहीं, हो जाएगा नीतू सिंह, आप नीतू रानी गुड़िया, आप टेंशन मत लो, आज ही मैं टेक्निकल टीम से मैं खुद बात करता हूँ, आज मैं डलवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और आपकी बात है ना मानी जाए ऐसा नहीं हो सकता। मिनीषा जी आज मैं पीडीएफ है ना, देखो मैथ्स वगैरह की क्या पीडीएफ होगी, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ना, ठीक है। मैथ पूरा का पूरा अगर डलवा भी दिया फिर उसका फायदा नहीं है, ठीक है। मैथ की तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना गुड़िया वही होगी। हाँ हरियाणा जीके की और इंडिया जीके की वो पीडीएफ मैं डलवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग। और जिसकी भी पीडीएफ होनी चाहिए ना वो सभी की पीडीएफ है मिल जाएगी, चिंता मत किया करो। मैं तो कहता हूँ आप है ना साथ में, जैसे अभी ट्विटर ऑफ हरियाणा है या कोई भी हरियाणा जीके की अपनी बुक ट्विटर ऑफ हरियाणा मार्केट में है तो वो लेकर ना साथ साथ देखो, जो चीजें उसमें नहीं है वो एड ऑन करते चलो, ये चीजें होती है। क्योंकि टीचर पढ़ाता है ना बहुत अच्छे से, मतलब कई बुकों को पढ़, सर आपने 18 राज्य लिखा, हिमाचल प्रदेश और बोला आंध्र प्रदेश, तो हिमाचल है आंध्र प्रदेश गलती से बोल दिया होगा, 16वां नागालैंड था, 17वां हरियाणा था और 18वां कौन सा था, हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के वो क्या थे, राज्यपाल थे, कौन है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। ज्योग्राफी की भी कोई दिक्कत नहीं, ये डलवा देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंग्लिश मयंक सर से ही करवाना सर जी, सुनीता जी इंग्लिश मयंक सर से ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे वो चीजें हो जाएगी, लेकिन ना कोई दिक्कत, अरे ममता आ जाएगा, थोड़ा सा ना वेट करने की जरूरत होती है, एक दिन में कोई ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। मीनू जी वो भी हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले है ना कंसेप्ट आप इन सर से कर लो, लास्ट में ना लाइव क्लास से आपके डाउट्स की क्लासें ली जाएगी। ये एसएससी लेवल के टीचर डलवाए हैं मीनू रानी जी, ठीक है। क्योंकि अभी है ना इंग्लिश और मैथ्स एसएससी का उठाया गया था, तो आपके लिए प्यारे बच्चों हम बेस्ट से बेस्ट टीम है देते हैं, हर सब्जेक्ट के आपको दो टीचर मिलते हैं। मेरी इंडिया जीके की अभी तक रिकॉर्डेड है और जैन सर कितना अच्छा लाइव करा रहे हैं, उनकी भी कल तबीयत बिगड़ गई थी, क्वेश्चन पूछता है कोई रिस्पॉन्स, अरे कोई बात नहीं मीनू जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना प्यारे बच्चों, लास्ट में मैं कॉमेंट लूंगा, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हरियाणा का गठन हो गया, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया, 18वें संविधान संशोधन के तहत बन गया। और हरियाणा है ना, गठन के समय 7 हरियाणा के क्या होते थे जिले, पुलिस रेंज कितनी होती थी, एक होती थी। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, तो कौन होते थे प्यारे बच्चों, जस्टिस मेहर सिंह होते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्विक रिविजन करवा देता हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था, मराठों से पहले हरियाणा मुगलों के अधीन था, और मुगलों का शासक आलमगीर सेकंड के टाइम में ये मराठों के अधीन आ गया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, मराठे हार गए, भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया, लेकिन मराठे है ना हरियाणा में छाए हुए थे। फिर उत्तरी भारत को जीतने की कमान अंग्रेजों ने किसको सौंपी थी, जनरल लेक को सौंपी थी, जनरल लेक को सौंपी थी। उसने अलीगढ़ को जीता, अलीगढ़ के बाद दिल्ली का कुछ हिस्सा जीता, उसने भरतपुर को जीता, और आगरा में उसने लसवारी की लड़ाई लड़ी थी। किसके साथ है, तो प्यारे बच्चों दौलतराव सिंधिया के साथ। और 30 दिसंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया ने महाराष्ट्र के एक गांव में कौन सी संधि कर ली थी, सुरजी अंजन गांव की संधि कर ली। इस संधि के तहत हरियाणा है ना किसके पास चला गया था, अंग्रेजों के पास चला गया। और इसमें से ना पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, अथीन, नू, उसको तो हरियाणा ने मतलब अंग्रेजों ने डायरेक्ट अपने अधीन कर लिया, बाकी सहायक राजाओं को दे दिया। 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया। 1819 में 3 भागों में बांटा। 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया, जिसकी कैपिटल किया बनाई थी, आगरा बनाई थी। तो हरियाणा यूपी के पास चला गया था। और फिर प्यारे बच्चों 10 मई 1857 को हरियाणा में अंबाला कैंट से क्रांति की शुरुआत हुई। श्याम सिंह ने अंग्रेजों को गद्दारी की सूचना उसने दे दी कि अंबाला में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो गद्दार था, और फिर वो अंबाला वाली लड़ाई वहीं पर दब कर रह गई। और यूपी मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया, राजा बना दिया। फिर 1858 में ना पंजाब ने जींद नाभा पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इनाम स्वरूप यूपी ने तो अंग्रेजों की खिलाफत की, यूपी से हरियाणा को छीन कर पंजाब ने साथ दिया, तो उनको दे दिया। 1858 से 1966 तक हरियाणा पंजाब के हिस्से में रहा। इस कैटेगरी में 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में मांग उठाई, 1926 में दिल्ली में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई, स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मांग उठी, लेकिन जनसभा हिंदू महासभा और आर्य समाज पक्ष में नहीं थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी लिखा गया हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए, बात नहीं बनी। 1931 में जोफ्री कॉर्बेट ने मांग उठाई, वो भी बात नहीं बनी। और 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने मांग उठाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। फिर 1940 में पटादी सीतारामैया ने उठाई। 1947 में भारत आजाद हो गया, हरियाणा पंजाब का पार्ट था, पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव थे जो हरियाणा के सिरसा से थे, और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान करनाल से थे। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने कहा पंजाबी सूबा दो, और अजीत नामक समाचार पत्र में अपनी मांग बुलंद की थी, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1 अक्टूबर 1949 को जो पंजाब के सीएम बाद में भीमसेन सच्चर बन गए, उन्होंने सच्चर फार्मूला लागू किया, जिसने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग थे, एक तो हिंदी भाषा क्षेत्र और एक है पंजाबी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषा क्षेत्र की दूसरी लैंग्वेज पंजाबी, पंजाबी की दूसरी हिंदी, हिंदी की देवनागरी पंजाबी की गुरुमुखी रहेगी। फिर 1952 में आम चुनाव हुआ, चौधरी देवी लाल उसमें जीते, 38 हरियाणा से विधायक जीते, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को साथ लिया, 125 विधायकों के साथ जेवी पंत गृह मंत्री थे उनसे मिले, उन्होंने मांग को अस्वीकार कर दिया। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना, फिर देवीलाल फिर गर्म हो गए, फिर उन्होंने के 29 दिसंबर 1953 को एक समिति बनाई जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल अली कुंजरूपण के अंपणीकर 3 सदस्य थे, और इन्होंने ना 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में रोहतक में आया था, और इसने रिपोर्ट 1956 में सौंपी। इस टाइम हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था, उसकी राजधानी शिमला थी। फिर 1966 में प्यारे बच्चों सॉरी 1956 में रिपोर्ट सौंपी, और 1956 में ना बोल ये भी उस रिपोर्ट ने भी कहा 14 राज्य होंगे, 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 7वां संविधान संशोधन हुआ, फिर भी हरियाणा का नाम नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय फार्मूला
पंजाब विधानसभा पंजाब ने कहकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 24 जुलाई 1956 को लागू करवाया गया। उसमें कहा दो भाषा क्षेत्र होंगे, पंजाब द्विभाषी राज्य होगा, विधानसभा और गवर्नर सेम होंगे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, भाषा की ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बात नहीं बनी। 1956 में प्रताप सिंह खेरो सीएम बनते हैं। उन्होंने इस फार्मूले को असफल करने के लिए 1957 में कह दिया पंजाबी अनिवार्य है, फिर हिंदी बचाओ सत्याग्रह हुआ, रोहतक हिसार में प्रमुख रूप से, फिर हिंदी क्षेत्रीय समिति बनी, बलवंत आहिल 1957 में अध्यक्ष बने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया और प्रताप सिंह खेरो ने उनको जेल में डाल दिया। फिर संत फतेह सिंह आ गए, संत फतेह सिंह से अनशन तुड़वा दिया, मास्टर तारा सिंह खुद बैठ गए, फिर भारत चीन युद्ध के टाइम अपने आप वो अनशन समाप्त हो गया। 1964 में मास्टर जो संत फतेह सिंह ने दोबारा आत्मदाह की बात कही, 1965 में करेंगे, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको मना लिया। फिर प्यारे बच्चों युद्ध जैसे ही भारत जीता ना, तो गुलजारी लाल नंदा को कहा कि कुछ करो, तो उन्होंने ना 23 सितंबर 1965 को एक हुकुम शाह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया और हुकुम शाह की अनुशंसा पर हरियाणा बनेगा, उन्होंने सहयोग की मांग की। 23 अप्रैल 1966 को बना जेसी शाह, और इसमें सदस्य कौन होते थे, जेसी शाह एम फिलिप एस दत्त होते थे। उन्होंने दौरा किया, 35% लगभग हरियाणा को पंजाब का दिया जाएगा, जो क्षेत्रफल में 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा, और हरियाणा का गठन हरियाणा। फिर उन्होंने 1956 में अपनी 1966 में मतलब 31 मई 1966 को रिपोर्ट दी, 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हस्ताक्षर किए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, 18वां संविधान संशोधन के तहत तीसरी लोकसभा में गठन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, सरदार हुकुम सिंह, उपाध्यक्ष किशन मूर्ति राव, सभापति जाकिर हुसैन, उप सभापति डॉक्टर जो अल्बर्ट जैसे अलवा डॉक्टर वॉयलेट अलवा होते थे, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मेयर सिंह, और पुलिस रेंज एक, राज्य विधान मतलब कितने जिले थे, 7, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। हिसार सबसे बड़ा, जींद का सबसे छोटा, जींद का अभी तक टुकड़ा नहीं हुआ है। इतनी सी चीजें हैं, अब बताओ मुश्किल है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, राजू कह रहे हैं कोर्स या सीटी सेकंड पेपर का फर्स्ट वीक हो गया एक भी। अरे छोटे भाई मैं राजकुमार आपको कहता हूँ कि जैसे है ना, अभी सीईटी के सेकंड एग्जाम का क्या आएगा, सिलेबस आएगा। अभी एचएसएससी खुद कह रही है सीईटी के सेकंड एग्जाम का सिलेबस आएगा राज भाई, और उससे पहले अगर हम कोई चीज अगर शुरू करवा दें और फिर वो कह दे कि ये सिलेबस में नहीं है, फिर उसका फायदा नहीं होगा। अब टेंशन मत करो, साथ में कॉमन पेपर भी तो होगा ना, ठीक है, कॉमन चीजें भी तो आएगी ना। वो अभी तक कह रहे हैं 70% कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मैं करवा दूंगा, गारंटी है राज भाई, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, सिलेबस एचएसएससी कह रही है हम देंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है राज भाई, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इस बैच के बारे में बताना कि जो लाइव बैच है 799 का, रिकॉर्डेड बैच है 499 का 7498-4004-47 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे चीजें ये बताना जरूर, और क्लास को शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास है कैसी लगी, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हाल में एजुकेशन को बंद मत होने देना। एक बात है बार बार बोलूंगा, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।